हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू, और जो बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये कैसे स्टार्ट किया है और इसमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें घी चाहिए होता है मेन, और चाहिए होता है शक्कर, इलायची, और अपने हिसाब से आप उसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने काजू लिया हुआ है। और चाहिए हमें बेसन, इलायची और ड्राई फ्रूट्स में आपको ऑप्शनल करना है, अगर ज़रूरत है तो ठीक, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेना है हमें बेसन, तो मैंने 2 कटोरी लिया है बेसन। 1 कटोरी पहले डाल दिया था, जो अभी कटोरी ली उसी से मैंने मेजरमेंट करना है आगे को सब सारी चीज़ों का। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जैसे मैंने 2 कटोरी बेसन लेना है, तो हमें चाहिए होगा 1 कटोरी शक्कर और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ऐसे ही आपको अगर ज़्यादा या कम करना है तो मेजरमेंट यही रहना है, 2 कटोरी बेसन के अकॉर्डिंग 1 कटोरी शक्कर और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा घी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इसको अच्छे से हमें हल्के आंच में इसको भूनते रहना है, और कोशिश कीजिए कि जो हम जिस बर्तन में इसको भून रहे हैं वो बर्तन थोड़ा सा मोटा बेस का हो, ताकि बहुत जल्दी जले ना। बेसन बहुत जल्दी जल जाता है पतले बर्तन में, तो बहुत पेशेंस के साथ इसको भूनना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस पर। तो इसको चलाते रहना है हमको, और बिल्कुल स्लो आंच में ही करना है इसको, ज़्यादा आंच में बिल्कुल भी नहीं करें, वरना ये बहुत जल्दी जल जाएगा और फिर लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं। तो कोशिश कीजिए पहले घी ना डालें, पहले इसको हल्का वैसे ही भून लेना है। और चुटकी भर, 2 चुटकी मैंने हल्दी डाला है, तो ताकि थोड़ा सा कलर इसमें पीला पीला अच्छा सा आए। अब थोड़ा सा इसमें मैं घी डालना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसका थोड़ा सा कच्चापन हट गया है, और अगर बेसन पुराना होता है ना, तो ऐसे खाली बिना घी के भूनने से उसकी स्मेल भी चली जाती है और जो कलर है वो भी अच्छा आता है। डायरेक्ट घी में भूनने से थोड़ा सा कलर येलो ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, येलो जो पीला पीला कलर आता है लड्डू का वो कम आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालते रहना है और इसको भूनते रहना है, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बेसन को एकदम चलाते रहना है। हाथ दर्द होगा उससे, मेरा भी हो रहा था बाद में, लेकिन लड्डू आपके बहुत अच्छे बनेंगे। ऐसे ही भूनते भूनते इसको आप देखेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, और बेसन जैसे जैसे भूनते रहेगा उसमें कलर आने लग जाएगा। और बेसन अगर जैसे ही बहुत ज़्यादा भूनता है ना, तो उसके बाद घी छोड़ने लग जाता है, तो उसको ध्यान रखना है कि बिल्कुल जले भी ना, और धीरे धीरे उसमें घी ऐड करना है। ये देखिए 20-25 के मिनट के बाद आप देखेंगे ना, बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा और घी एकदम मिक्स हो जाएगा उसमें बहुत अच्छे से। और ध्यान रखिए कि हाथ ना जले, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है बेसन इस टाइम पे। देखिए घी इसमें से छूटने लग गया है, बेसन जो है वो घी छोड़ने लग गया है। इस दिवाली आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी बनते हैं बेसन के लड्डू। नारियल के लड्डू भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका लिंक, वो भी बहुत हेल्दी और टेस्टी होते हैं। तो जब ये हो जाए, अच्छे से भुन जाए, तो इसको प्लेट में निकाल के बिल्कुल ठंडा कर लेना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो ये पंखे के नीचे मैंने रख दिया था, तो जल्दी से ठंडा हो गया था। तो इसमें अब मैं बाकी की चीज़ें, जैसे इलायची मैंने डाल दी है, उसको मिक्स करना है। उसके बाद अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ड्राई लगे, सूखा सूखा, तो हल्का सा घी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हमको इसमें शक्कर, और अगर आप कोई ड्राई फ्रूट पिसा हुआ ऐड करें तो वो डालें। तो मैंने शक्कर डाला है ये धीरे धीरे, और काजू भी अभी ऐड करूँगी। तो धीरे धीरे इसको अच्छे से हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है।
ये हो गई है सारी चीज़ें इसमें मिक्स अच्छे से। तो मैं लड्डू बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा लेके हमें पूरा हाथ से अच्छे से दबा के इसको गोल गोल दबा के इसको गोल बनाना है और टाइट हाथ से दबाना है ताकि लड्डू बाद में टूटे ना। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें घी ज़्यादा लग रहा था, मतलब कि हल्का गीला लग रहा था ये, तो इसमें मैं शक्कर मिला दूँगी आगे। तो मैं पहले ट्राई कर रही थी कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये थोड़ा सा ढीला ढीला बन रहा था, देखिए लग रहा है ना। तो थोड़ा सा अगर आपको गीला लगे तो शक्कर मिला लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा आपको ड्राई लगे ये सूखा सूखा अगर बन नहीं रहा हो तो थोड़ा सा घी मिलाइए। तो यही इसकी ट्रिक है इसको ठीक करने की। तो मैंने इसमें शक्कर मिक्स कर लिया था, देखिए अब बहुत अच्छे से बनने लगे हैं ये, बिल्कुल जैसे बाजार के बनते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनते हैं जब ये मिक्सर ऐसा हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए ये लड्डू मेरे सारे बनके तैयार हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो लड्डू की, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली में। तो इस दिवाली घर के लड्डू बनाइए, घर की मिठाई बनाइए और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।